डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस से लड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करना चाहता था और इसीलिए डॉक्टर टाइटन पर जाने के लिए राजी नहीं था। लेकिन फिर भी वो बिना टोनी के वहां से नहीं आ सकता था, क्योंकि टोनी की मदद के बिना डॉक्टर स्पेसशिप की डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा। लेकिन अब यहां सवाल ये आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोल के वापस अर्थ पर क्यों नहीं आया, जबकि पोर्टल से पूरे स्पेस में कहीं भी ट्रैवल किया जा सकता है। तो देखो, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस में मूव करते हुए पोर्टल नहीं खोला जा सकता। अब इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। तो भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेसशिप में फंसने के बाद वापस अर्थ पर आना चाहता था, लेकिन टोनी ने स्पेसशिप की डायरेक्शन चेंज नहीं की, पर डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोल के भी तो आ सकता था, तो फिर उसने पोर्टल क्यों नहीं खोला? तो देखो, स्पेसशिप में पोर्टल खोलना बहुत भारी साबित हो सकता था, क्योंकि पोर्टल स्पेस के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पर खुलता और वहीं स्टिल रहता, जबकि स्पेसशिप लगातार मूव कर रही थी, और ऐसे केस में हो सकता था कि पोर्टल से स्पेसशिप में छेद हो जाता। अब वैसे तो पोर्टल को भी मूव कराया जा सकता था, लेकिन स्पेसशिप की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल खोलने के बाद कुछ सोचने का टाइम भी नहीं मिल पाता।